लखनऊ से अहम खबर है, 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हुए अभ्यर्थी इस वक्त हैं। आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारी आरक्षण घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। पिछले एक महीने से जारी है अभ्यर्थियों का आंदोलन। कल बेसिक शिक्षा निदेशालय से अभ्यर्थियों को खदेड़ा गया था और अब भी उनका प्रदर्शन लगातार जारी है। आरक्षण घोटाले जैसा आरोप वो इस भर्ती में लगा रहे हैं। पिछले एक महीने से इनका आंदोलन चल रहा है। कल बेसिक शिक्षा निदेशालय से अभ्यर्थियों को खदेड़ा भी गया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता लखनऊ से बने हुए हैं। शैलेश, तारीखें बदलती जा रही हैं लेकिन तस्वीरें नहीं बदल रही हैं, वही तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है, आखिर इसका समाधान कब निकलेगा? और अब खबर इस तरह की आ रही है कि बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं ये भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थी। कौशल, देखिए एक ताज़ा अपडेट अभी हम दे रहे हैं अपने दर्शकों को कि सूचना मिल रही कि मुख्यमंत्री आवास के पास कुछ लड़के अभ्यर्थी जो यहाँ पर पहुंचे, हम इस समय मुख्यमंत्री आवास के पास हैं और उसी तरफ जा भी रहे हैं और देखेंगे वहाँ पर किस तरह का नज़ारा है। और जहाँ तक अगर हम बात कर देखिए सामने जो चौराहा है इसके दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आवास है, और अगर हम बात करें तो देखिए जो 69,000 पदों की सहायक अध्यापक भर्ती हुई बेसिक शिक्षा विभाग की, उसमें बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी थे वो आरोप लगा रहे हैं आरक्षण के घोटाले का। और इसको लेकर वो लोग इससे पहले भी मुख्यमंत्री आवास के पास प्रदर्शन कर चुके हैं, तब वो डिप्टी सीएम केशव मौर्य से मिलने जाना चाहते थे लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। 5 जुलाई को इनकी मुलाकात बेसिक शिक्षा मंत्री से कराई गई लेकिन उस बैठक के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। देखिए इस समय लड़के यहाँ पर पहुँच चुके हैं, हम बस चंद मिनट में अपने दर्शकों को सीधी तस्वीर दिखाएंगे। पुलिस वाले बिल्कुल बिल्कुल आप उस तस्वीर तक पहुंचिए शैलेश। इस बीच एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे दें, इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है, लखनऊ से बड़ी खबर। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है और कहा है कि भर्ती को लेकर बहकावे में न आए युवा। डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने ये बात कही है, कुछ शरारती तत्व और राजनीतिक दल युवाओं को बरगला रहे हैं, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कुछ लोग। किसी भी विभाग में भर्ती के पूर्व जिन नियमों के तहत आवेदन मांगे जाते हैं उसे ना तो भर्ती प्रक्रिया के दौरान बदला जा सकता है और ना ही प्रक्रिया पूरी होने के बाद। बेसिक शिक्षा मंत्री ने ये बड़ी बात कही है। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं, शैलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश, आप ताजा तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा रहे थे लेकिन इस बीच बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने खुद ये बयान दिया है कि राजनीतिक दल और शरारती तत्वों के बहकावे में ना आए, नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है, उन्हीं नियमों का पालन किया गया है जिसके आधार पर भर्ती के आवेदन मांगे गए थे। और ये सीधी तस्वीरें आप बिल्कुल देखिए, बेसिक शिक्षा मंत्री ने 5 जुलाई को अभ्यर्थियों से मुलाकात हुई तब भी बात की थी और फिलहाल सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं आस्था कि इससे पहले भी मंत्री ने यही बयान दिया था कि सभी आरक्षण नियमों का पालन किया गया है और एक बार फिर से ये बयान जारी किया गया है। जो पक्ष है बेसिक शिक्षा विभाग का वो ये है, सरकार का पक्ष ये है कि 18,598 पद आरक्षित थे लेकिन जो भर्ती दी गई है वो 31,000 से ज़्यादा पदों पर। ओबीसी के लिए हम बात कर रहे हैं, देखिए अभ्यर्थियों का कहना है कि ओबीसी का आरक्षण 27% है लेकिन जो भर्ती थी वो बहुत कम पदों पर हुई है। जो अभ्यर्थियों के अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट है वो भी ये बताती है कि भर्ती जो है सभी पदों पर नहीं हुई है अभ्यर्थियों के हिसाब से, लेकिन इसके बाद में जो रिपोर्ट शासन की तरफ से दी गई उनका कहना है कि पद तो 18,598 थे ओबीसी के आरक्षण के लेकिन जो भर्ती हुई पारदर्शी हुई और 31,000 से ज़्यादा लोगों को, यानी जो अभ्यर्थियों की बात है और जो मंत्री की बात है वो दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। यानी अगर हम बात करें बेसिक शिक्षा विभाग की तो साफ है कि इनको फिलहाल राहत मिलती कोई नज़र नहीं आ रही है। उनका कहना है कि राजनीति से प्रेरित हैं ये लोग जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछला एक महीने से करीब। और इस समय देखिए मुख्यमंत्री आवास के सामने की तस्वीर है जहाँ आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुँच चुके हैं, इस समय अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों से भी हम बात करेंगे कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर। क्या नाम है आप? सर, हम लोग चाहते हैं बस मुख्यमंत्री जी हम लोगों से मुलाकात कर लें, हमारी समस्या सुन लें, न्याय दें ना दें वो अलग की बात है लेकिन हमारी समस्या तो कम से कम सुन लें। वो हम लोग बहुत पीड़ित है सर, एक महीने से न्याय मांग रहे हैं लेकिन कोई न्याय नहीं दे रहा सर। बेसिक शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि आप लोग के लिए 18,598 पत्ते और 31,000 से ज्यादा ओबीसी को अभ्यर्थी, वो गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। वो अगर ये डाटा दिखा दें, मूल चयन सूची क्यों नहीं दिखा रहे हैं? वो अगर वो सही तरीके से भर्ती किए हैं, पारदर्शी की तरीके से किए हैं तो मूल चयन सूची क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? आखिर में किस बात से वो डर रहे हैं? अगर वो सही भर्ती किए हैं तो हमारी एक मांग है, या तो मूल चयन सूची जारी कर दें या तो माननीय मुख्यमंत्री हमारी पीड़ा सुने, अगर उनको न्याय देना हो तो दें, नहीं तो हम लोग चले जाएंगे यहाँ से।
यहाँ पर ये लोग अब मुख्यमंत्री से मुलाकात चाहते हैं। बहरहाल मुख्यमंत्री आवाज के सामने का देखिए मामला है, तो निश्चित रूप से भारी संख्या पुलिस बल भी है, कुछ महिला अभ्यर्थी भी देखिए सामने नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री आवाज पर, और तो तुरंत ही यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी लगा दी गई है। महिला अभ्यर्थियों से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे वो अब क्या कहना चाहती हैं इस पूरे मामले को लेकर। जिस तरह से इस अभ्यर्थी की हमने बात सुनी, उनका साफ कहना है कि या तो मूल चयन सूची जारी करी जाए या मुख्यमंत्री मुलाकात करें। क्या नाम है? तस्लीम मानो, मैं अमेठी से आई हूँ। यहाँ पे कल हम लोग CRT पे गए थे, वहाँ पे हम लाठीचार्ज करके हम लोगों को भगा दिया। हमारे एक साथी के भाई की रीढ़ की हड्डी टूट गई और हम लोगों को महिलाओं को भी लाठी से मारा है, हाथों से मारा है। ये बेसिक शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, एक बात आई मंत्री कह रहे हैं कि भर्ती में कोई गड़बड़ी नहीं है, पद से ज्यादा अगर पारदर्शिता अगर दर्शाइए तो मूल चयन सूची हम लोगों के सामने कर देना। अगर पारदर्शिता है तो बिल्कुल मानते नहीं। NCPC ने मान लिया है कि इसमें आरक्षण घोटाला हो रहा है, मुख्य और शिक्षा मंत्री ने 4 दिन का समय मांगा था। बिल्कुल शैलेश, मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं, ये 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी। और इसी बीच आप हमारे साथ बने रहिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। ये बड़ी खबर है, 69,000 शिक्षक भर्ती के 6,696 चयनित अभ्यर्थियों को 23 जुलाई को नियुक्ति पत्र मिलेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास पर दोपहर 12 बजे कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ अभ्यर्थियों को खुद ही नियुक्ति पत्र देंगे, तो 6,000 से ज्यादा ही अभ्यर्थी होंगे जिनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। शैलेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। शैलेश, मुख्यमंत्री खुद 6,696 चयनित अभ्यर्थियों को 23 जुलाई को नियुक्ति पत्र बांटेंगे, ये भी खबर आ रही है, इसके बारे में क्या कुछ अपडेट है उसे विस्तार से बताइए। देखिए कौशल, जो 6,696 अभ्यर्थियों की अगर बात करें तो ये वो अभ्यर्थी हैं, जब 69,000 की भर्ती हुई तो 1133 ऐसे पद थे जो ST के लिए आरक्षित थे लेकिन उन पर अभ्यर्थी नहीं थे, इसलिए उनको परिवर्तित किया गया SC के लिए। इसके अलावा और भी तमाम पद थे जो रिक्त रह गए थे। कुल मिलाकर जब NIC ने अपनी सूची जारी की तो 6,696 पद खाली मिले और उनके लिए जो वेटिंग लिस्ट में अभ्यर्थी थे उनको मौका दिया गया चयन के लिए और उनकी पहले काउंसलिंग कराई गई, फिर नियुक्ति पत्र बांटने की जो तारीख थी वो पहले 30 जून तय की गई थी, लेकिन इसी बीच में जो पंचायत चुनाव के परिणाम और इसकी प्रक्रिया के चलते इसे टाला गया और अब 23 तारीख को मुख्यमंत्री जो है इन 6,696 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने वाले। तो एक तरफ इसी भर्ती के 6,696 अभ्यर्थी होंगे जिन्हें नियुक्ति मिलेगी और दूसरी तरफ इसी भर्ती के आरक्षित वर्ग के ये अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनको भी नियुक्ति दी जाए, OBC का जो आरक्षण है पालन किया जाए। अब देखिए दो तस्वीरें, पहली अभ्यर्थियों का आरोप के घोटाला हुआ आरक्षण का और सरकार का पक्ष, बेसिक शिक्षा विभाग का, बेसिक शिक्षा मंत्री का पक्ष कि घोटाला नहीं है बल्कि जितने आरक्षित पद थे उससे ज्यादा भर्ती हुई है। मुख्यमंत्री खुद इस मामले का संज्ञान लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री से बात कर चुके हैं 6 जुलाई को। सवाल यह उठता है कि अगर सब साफ है तो यह प्रदर्शन क्यों, अगर कहीं पर कोई समस्या है तो वो सुलझट क्यों नहीं पे आ रही है। फिलहाल कुल मिलाकर जो बेसिक शिक्षा मंत्री का कहना है ये सब राजनीति से प्रेरित है। देखिए हाल ही में ये लोग प्रियंका गांधी वाड्रा जब लखनऊ आई तो उनसे भी मिले थे और उनसे भी मुलाकात की थी। बहरहाल देखिए इन लड़कों को हिरासत में लेने के लिए, अभ्यर्थियों को हिरासत में लेने के लिए पुलिस बल यहाँ पर पहुंच चुका है और पुलिस बल जो है अब इन लोगों को उठाने जा रहा है, यहाँ से हिरासत में लेने जा रहा है। आप देख सकते हैं, देखिए मुख्यमंत्री आवास के सामने का मामला है तो निश्चित रूप से काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है। अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से कराई जाए, वो उनसे बात करना चाहते हैं, अपनी पीड़ा वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। देखिए ये जो बात है, कहीं ना कहीं एक चीज़ ज़रूर सामने आई इस पूरे प्रकरण में, जब से हम देख रहे हैं कि 5 जुलाई को जब मंत्री इन अभ्यर्थियों से मिलते हैं, अधिकारी जब इन अभ्यर्थियों से मिलते हैं तो ये कहा जाता है कि विभाग के पास पिछड़ा वर्ग आयोग की कोई रिपोर्ट नहीं पहुंची। उसी समय ये अभ्यर्थी अपने पास मेल का प्रूफ दिखाते हैं कि जो मेल इनको भेजा पिछड़ा वर्ग आयोग ने उसकी CC में बेसिक शिक्षा परिषद, बेसिक शिक्षा विभाग के जो अधिकारी थे वो भी उसमें टैग थे, यानी मेल उनके पास भी गए होंगे, बैठे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और आरक्षण का गलत इम्प्लीमेंटेशन हुआ है इसका आरोप लगा रहे हैं। जानकारी के लिए शुक्रिया शैलेश आपका। जी हाँ बिल्कुल, तो विस्तार से आपसे हम चर्चा करेंगे लेकिन एक बार फिर से लखनऊ आपको लिए चलते हैं। काफी हंगामा और गहमा गहमी का माहौल है, 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थी जो धरने पर बैठे थे गलत आरक्षण लागू करने की बात को लेकर, अब उनको पुलिस वहां से हटा रही है। 1 महीने से ऊपर का वक्त बीत चुका है, ये सभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी इन्होंने बेसिक शिक्षा मंत्री के घर जाने की कोशिश की थी और आज भी ये लोग धरने पर बैठे हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे थे और पुलिस अब इन सभी अभ्यर्थियों को वहां से हटा रही है। उनके प्रदर्शन के बीच बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने भी स्पष्ट किया है कि भर्तियों के दौरान किसी नियमावली में कोई बदलाव नहीं किया गया, कोई गलत इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, जिन आरक्षण नियमों के आधार पर भर्तियां निकाली गई थी उसी का ही पालन प्रक्रिया में हुआ है और ये संभव ही नहीं है
कि चयन के दौरान या चयन के बाद भी उसको बदला जा सके। और ये सभी अभ्यर्थी, आरक्षण गलत तरीके से लागू हुआ इसीलिए कुछ छात्रों का सिलेक्शन नहीं हुआ, आरोप लगाकर धरने पर बैठे हुए हैं, नारेबाजी वहां पर चल रही है, पोस्टर बैनर इनके हाथ में है, कई लोग बीमार हैं, कई की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग यहां धरने पर बैठे हैं और मांग कर रहे हैं कि आरक्षण को सही तरीके से लागू करके और छात्रों को भी मौका दिया जाए नौकरी का। शैलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश, क्या चल रहा है इस वक्त? हटा रही है पुलिस और कुछ लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है, क्या कुछ लोगों की तबीयत भी खराब है? तस्वीरें जो हमें मिल रही है, देखिए निश्चित रूप से, देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से यहाँ से अभ्यर्थियों को पुलिस जो है हिरासत में ले रही है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभ्यर्थियों को यहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास देखिए है सबसे वीवीआईपी जगह, यहाँ पर अभ्यर्थी बैठे हैं लेकिन अभ्यर्थी उठने को तैयार नहीं है, सड़क पर लेट गए हैं, धक्का मुक्की भी शुरू हो चुकी है, यहाँ पर अभ्यर्थी उठने को तैयार नहीं, बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी भी देखिए यहाँ पर मौजूद है और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उनको से मुख्यमंत्री से एक बार मिलवा दिया जाए। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें हमारे कैमरा सहयोगी प्रमोद दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस फोर्स और बढ़ा दी गई है, देखिए और पुलिस यहाँ पर अब बुला ली गई है इस समय और यहाँ से अभ्यर्थियों को उठाया जा रहा है और हटाया जा रहा है, यहाँ से हिरासत में लिया जा रहा है, महिला अभ्यर्थी भी हैं और देखिए जितनी संख्या महिला अभ्यर्थी हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं एक चीज़ और देखने को मिल रही है, उतनी महिला फोर्स मौजूद नहीं है, जिसके चलते देखिए कुछ अभ्यर्थी जो है धक्का मुक्की के बीच में और गर्मी की वजह से बेहोश भी हो गए हैं। अब कुछ और महिला पुलिस फोर्स को बुलाया गया है, पहले यहाँ पर जो महिला पुलिस फोर्स थी उसकी संख्या कम थी लेकिन अब और बढ़ा दी गई क्योंकि बड़ी संख्या में महिला पुलिस फोर्स है यहाँ पर। कुछ अभ्यर्थी इस बीच में नीचे भी गिरे और चोट लगी है और यहाँ से देखिए एक अभ्यर्थी को हम देख पा रहे हैं तस्वीर यहाँ से इस समय पैदल ही फिलहाल, क्योंकि करीब में इस सिविल अस्पताल है वहाँ पर ले जाया जा रहा है अभ्यर्थी को। देखिए यहाँ पर जो अभ्यर्थी है वो किस तरह से अपनी गुहार लगा रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं, और कुछ अभ्यर्थियों से हम बात करेंगे सीधे आस्था की, वो क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम आशीष कुमार है सर, हम लोग 5 जुलाई को माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था 4 दिन में हम आपका जवाब देंगे 69,000 भर्ती में। मंत्री जी तो जवाब दे चुके, वो तो कह रहे हैं कि भर्ती में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, फिर सर कोई जवाब नहीं दिए, झूठ बोल रहे हैं सर। अगर ये जवाब दिए हैं तो माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जवाब दें, ये केवल मीडिया में क्यों जवाब देते हैं? आयोग को जवाब दें जो ये कहते हैं कि 31,000 लोगों को सिलेक्ट किया, झूठ बोलते हैं। इन्होंने 13,000 लोगों को ओवरलैपिंग कराई, 15,000 ओबीसी को इन्होंने नौकरी से वंचित कर दिया है, आरक्षण का घोटाला किया इन्होंने, ये जवाब वहाँ क्यों नहीं देते हैं, केवल मीडिया में जवाब देते हैं? हम चाहते हैं कि माननीय जो शिक्षा मंत्री जी है वो आयोग की रिपोर्ट जो है मीडिया के, कुछ और मौजूद है उनसे भी बात करेंगे आस्था, उनसे भी जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि पुलिस लगातार इन्हें समझाने की कोशिश कर रही है, इनसे कह रही है हटने के लिए लेकिन फिलहाल हटने को तैयार नहीं है किसी भी हालत में। अभ्यर्थी कुछ अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर बेहोश भी नजर आ रहे हैं। आजमगढ़ से आए हैं हम, अपने आरक्षण को लेने के लिए आए हैं, कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, मुख्यमंत्री से हमको मिलाए बस, मुख्यमंत्री से मिलवाया जाए, ये इनकी मांग है कि इनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से करवाई जाए, लगातार यही ये लोग मांग कर रहे हैं। कुछ और अभ्यर्थियों से बात करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं? बड़ी संख्या में शिखा यादव, मैं फिरोजाबाद से आए हैं, फिरोजाबाद से आई हूँ। क्या कहना चाहेंगे? मंत्री तो कह रहे हैं कोई गड़बड़ घोटाला नहीं हुआ, घोटाला हुआ है हमारे साथ, धोखा हुआ है, आरक्षण मिलना चाहिए हमको 27% का। गुमराह कर रहे मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी को भी गुमराह कर दिया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसको लागू क्यों नहीं करते हो? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने माना है कि 69,000 भर्ती में शिक्षक भर्ती में घोटाला, आरक्षण का घोटाला हुआ है, फिर भी ये लोग जब रिपोर्ट आ चुकी है ये लोग क्यों नहीं मान रहे हमारी? और अभ्यर्थी भी यहाँ पर फिलहाल सड़क पर लेट गए हैं, बेहोश हुए हैं और इनका लगातार ये कहना है कि जो बेसिक शिक्षा विभाग है, जो मंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री को भी गुमराह कर रहे हैं। देखिए बड़ा आरोप है ये निश्चित रूप से और देखना होगा कि आखिर कहाँ दिक्कत आ रही है। देखिए एक बयान ये कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये लोग, एक आरोप ये है इनके ऊपर और दूसरा अभ्यर्थियों का कहना कि जो मंत्री है वो जी हाँ बिल्कुल, तो वहाँ काफी गहमा गहमी का माहौल है, कई लोगों की गर्मी के कारण तबियत खराब हो गई है और पुलिस धरना स्थल से उनको हटा रही है।